हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सारे मज़े में होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय बनाई है मैंने, ये है मसाला चाय। बहुत लोग सोचते होंगे मसाला चाय कैसे बनती है, बहुत मुश्किल होगा इसे बनाने में, इसका टेस्ट इतना अलग क्यों होता है। तो मैं आपको सिखाना चाहूँगी कि मसाला चाय कितनी ईजी है। अगर आप मसाला बना कर रख लें, चाय मसाला बना के रख लें, उसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो मसाला आप बनाकर अलग से रखिए और मसाला चाय आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत इजी वे में बता रही हूँ, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने 3 कप लिया है दूध और 1 कप लिया था पानी, और इन दोनों को मिक्स कर लिया और फिर हम इसके अंदर डाल रहे हैं। सिंगल लोग हैं या जो चाय बनाने में बहुत आलस करते हैं, जैसे मैं पर्सनली, मैं बचपन से ही दूध और पानी को एक साथ मिलाकर ही चाय बनाती हूँ, अलग अलग नहीं करती। तो बहुत लोग अगर कमेंट में बोलेंगे कि चाय इस तरीके से नहीं बनती, तो इस तरीके से भी आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। और दूध जब हल्का सा उबलने लगे तो उसमें 2 टेबल स्पून जितनी चीनी डाल दीजिए और 1.5 टेबल स्पून जितनी चाय पत्ती डाल दीजिए। जो भी आप चाय पत्ती यूज़ करते हो, जो आपको पसंद हो, वो वाली डाल दीजिए। और उसके बाद आराम से चलाते रहिए बीच बीच में, और बहुत अच्छी तरीके से खोलने दीजिए, चाय को पकने दीजिए, बॉईल आने दीजिए। जब तक आप अगर कोई स्नैक्स बनाना चाह रहे हैं, शाम के चाय है, स्नैक्स बनाना चाह रहे हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी स्नैक्स का, इसके साथ आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। जब तक चाय अच्छी तरीके से पकेगी तब तक आपका स्नैक भी बन जाएगा। और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून जितना चाय का मसाला डाल दिया। जब बहुत अच्छी तरीके से चाय पक जाए, उबल जाए, तब इसके अंदर हमें चाय का मसाला डालना है और फिर इसे 1 मिनट के लिए उबाल आने देना है। चाय मसाला डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 उबाल लाने देना है, और जैसा आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप चाय पत्ती डालिए। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चाय जो है वो बन के रेडी है, बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है, हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये बन गई है हमारी मसाला चाय। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चाय मसाला की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे चेकआउट कर लीजिए। स्नैक्स की रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो आप चाय के साथ ले सकते हैं, शाम की चाय के साथ लोगों में, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स के साथ बैठ कर चाय का मज़ा ले सकते हैं, स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं। और 4 कप के दूध और पानी में मैंने 3 कप चाय बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।